नमस्कार, स्वागत है आपका ऐप टेक मास्टर के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट ने आपको पे लेटर का ऑप्शन दे रखा है। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, पे लेटर यानी आपको बाद में पे करना होगा। पहले आप सामान खरीद लीजिए, उसके बाद आप पे कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और कब करना होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर पे लेटर है क्या। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक टी शर्ट या कोई भी एक कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है फ्लिपकार्ट से और आप उसका पे करना चाहते हैं बाद में, ना कि कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट डेबिट कार्ड से किसी तरह से नहीं करना चाहते हैं, आप अभी खरीदना चाहते हैं और एक महीने बाद पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो उस प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना साइज वगैरह सेलेक्ट करिए, उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एलिजिबल फॉर पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर पे लेटर, तभी ये आपको जो है पे लेटर के लिए उपलब्ध होगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ये होता है कि फ्लिपकार्ट जो एफ असर्ड होते हैं प्रोडक्ट, उन्हीं पे मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट एफ असर्ड, तो यहाँ पर अगर ये इस तरह से बैच लगा हुआ है तो यानी कि ये आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी सिंपल है, जिस तरह से भी आप ऑर्डर करते हैं उस तरह से ऑर्डर कर दीजिए। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना जो है साइज सेलेक्ट कर लीजिए। साइज सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको जो है ये पूछा जाएगा इस तरह से कुछ, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट के ऑप्शन में आप चाहें तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड या कोई भी अपना भीम UPI यूज़ करते हैं या फ़ोनपे यूज़ करते हैं, उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर की, तो यहाँ पर आप पे लेटर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको बाय नाउ पे लेटर बाय 10th of May, यानी कि अगर मैं आज की डेट में इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मैं अगले महीने की 10 तारीख तक इसे पे कर सकता हूं। अगर आप यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ भी जाएगा और डिलीवरी पर्सन आपसे कोई चार्जेस भी नहीं मांगेगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा, और आपके पास एक ईमेल आएगा 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, तब आपको इसे पे करना होगा और वो पे आप कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी है फ्लिपकार्ट ने हमें, ताकि हम जो है कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकें, और अगर हमारे पास तुरंत पे करने के लिए नहीं है तो आप अगले महीने की 10 तारीख तक इसे पे कर सकते हैं। हालांकि बिल आपका 1 तारीख को जनरेट हो जाएगा, पूरे महीने जितने भी आप शॉपिंग करेंगे वो सारा का सारा जनरेट होकर 1 तारीख को आपको बिल मिल जाएगा। उस बिल को आपको 1 से लेकर 10 तारीख तक, अगले महीने की 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको पे करना होगा। ध्यान आपको यह रखना है कि सिर्फ 5000 तक की अभी लिमिट यहां पर दे रखी है फ्लिपकार्ट ने, यानी कि आप 5000 तक सामान 1 महीने के अंदर खरीद सकते हैं और उसको पे कर सकते हैं 1 महीने के बाद। और ये आपको माई अकाउंट में मिल जाएगा। माई अकाउंट में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर, यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 555 रुपये का कुछ सामान खरीद रखा है जिसका बिल मैंने अभी तक नहीं किया है, यानी कि पे अभी तक मैंने नहीं किया है। यहाँ पर पे नाउ लिखा हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ पर पे नाउ करता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना होगा। फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं करने वाला, बाद में करूँगा, क्योंकि 10 तारीख तक मेरे पास टाइम है। इस तरह से बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास तुरंत पैसे उपलब्ध नहीं है, आपके पास तुरंत उतना बजट नहीं है, अगर आपको कोई सामान अच्छा लगता है, कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं और पैसे आपके पास अभी नहीं है, तो आप उसे खरीद सकते हैं और बाद में पे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।